लखनऊ चुनाव से पहले सुर्खियों में बयान बहादुर शिवपाल वजीर संगमित्रा बेबाक बोल से कटा वरुण का पत्ता, गले में पीला गमछा तो थानेदार को दिखेगा राजभर। लोकसभा चुनाव का रंग अब चढ़ चुका है, जमीन से लेकर के नेताओं के बयानों तक इसका असर दिखाई दे रहा है। बदायूं में दुभाई की हत्या और फिर आरोपी के एनकाउंटर को लेकर शिवपाल यादव और बीजेपी सांसद संगमित्रा में तीखी बयानबाजी हुई। उधर कैबिनेट मंत्री बनते ही सुबह सपा प्रमुख ओपी राजभर के सुर बदल गए। वो खुद को यूपी का गब्बर सिंह बता गए और कार्यकर्ताओं से पीला गमछा लेकर थाने जाने की बात कह गए। कभी बयानों से अपनी ही सरकार को घेरने वाले पीलीभीत सांसद वरुण गांधी का टिकट कट चुका है। वहीं कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक ये कहकर के विवादों में घिर गए कि मैंने वोट खरीदे हैं, आखिर बयान बहादुर नेताओं ने ये बयान क्यों दिया, सियासी पिच पर इसका क्या असर होगा, इन बयानों के मायने भी आपको बताएंगे। शुरुआत बदायूं में हुए डबल मर्डर से उठे सियासी तूफान से। बदायूं में मंगलवार यानी 19 मार्च की शाम को दो सगे भाइयों आयुष और आहान उर्फ हनी की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। मृतकों की उम्र 14 और 6 साल थी। वारदात में गुस्साई भीड़ ने बाइक और दुकान में तोड़फोड़ की थी। बाद में पुलिस ने मुख्य आरोपी साजिद का एनकाउंटर कर दिया, जबकि उसके दूसरे भाई ने बरेली में सरेंडर कर दिया था। इस कांड को लेकर खूब राजनीति हुई। बदायूं से सांसद और पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संगमित्रा मौर्य ने इस हत्याकांड में सपा के राष्ट्रीय महासचिव और बदायूं से सपा के लोकसभा प्रत्याशी शिवपाल यादव का हाथ धोने की आशंका जताकर हत्याकांड को नया मोड़ दे दिया है। यहां तक कि सपा सरकार में मथुरा के जवाहर बाग दंगे के पीछे शिवपाल को सूत्रधार बता डाला। सांसद के इस बयान से सियासी तूफान खड़ा हो गया है। शिवपाल यादव सपा के बदायूं प्रत्याशी बनाए जाने के बाद 14 मार्च को पहली बार बदायूं दौरे पर थे। वहां उजहानी में एक चौपाल में कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी रणनीति पर चर्चा कर रहे थे। तभी शिवपाल ने कहा था कि अब हम बदायूं आ गए हैं, नाराज मुस्लिम नेता सलीम शेरवानी और आबिद राजा जैसे नेताओं को मना लेंगे, सबको ठीक कर लेंगे। शिवपाल के इसी बयान को संगमित्रा ने डबल मर्डर से जोड़ते हुए आरोप लगा दिया। जब संगमित्रा ने शिवपाल को घेरा तो सपा के जिलाध्यक्ष ने उनके खिलाफ डीएम और एसएसपी की तहरीर देकर शिकायत कर दी। संगमित्रा पर भ्रामक बयान देकर सांप्रदायिक माहौल खराब करने का आरोप लगाया, साथ ही से आचार संहिता उल्लंघन का मामला बताया। पुलिस जांच के बाद स्पष्ट हुआ कि बच्चे के डबल मर्डर की घटना एक वारदात थी, इसका कहीं कोई पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं था, निजी दुश्मनी चिड़के चलते यह वारदात की गई थी। बयान के मायने, क्योंकि इस हत्याकांड में आरोपी दूसरे समुदाय का था, इसमें शिवपाल का नाम जोड़ दिया, जबकि पुलिस जांच में ऐसा कुछ नहीं मिला। कहीं ना कहीं यह बयान एक समुदाय के वोटर्स को प्रभावित करने से जुड़ा हुआ मामला था।